एनिमल मूवी तो आप सब ने देख रखी होगी, अगर नहीं देखी हो तो कम से कम उसका ट्रेलर तो देख ही रखा। उस मूवी में दिखाया गया है कि एक नायक जब एनिमल बनता है, जब उसके अंदर का जानवर बाहर आता है, तो किस तरीके से विध्वंस मचा। आपको कैसा लगेगा ये जानकर जब मैं बताऊंगा कि ये एनिमल, ये जानवर आपके अंदर, और इतना ही नहीं आपके अलावे इस दुनिया के सभी आदमियों के अंदर। आज से कुछ साल पहले एक सोशल एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें एक लड़की कुछ लोगों के सामने आके खड़ी हो जाती है और वो बोलती है कि मैं यहाँ पे 6 घंटे तक खड़ी हूँ, आप जो चाहे मेरे साथ कर सकते। और फिर उन लोगों ने उसके साथ जो किया, ये जानकर आप शॉक्ड हो जाएंगे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। इस वीडियो के जरिए मैं आपको इस सत्य घटना को प्रूफ करके दिखाऊंगा, उसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें, ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। 1946 सर्बिया, वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो चुका था और पूरे दुनिया में एक ग्रेट डिप्रेशन आ चुका था। इसी समय एक लड़की का सर्बिया में जन्म होता है जिसका नाम है मरीना अब्रामोविच। उसका बचपन उस समय के सभी बच्चों की तरह ही डिफिकल्ट रहा, जब उसके माँ बाप उसे बहुत बुरी तरीके से मारते थे। और वो जब इस डिफिकल्ट चाइल्डहुड से जब वो बाहर निकलती है तो वो अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी, अपने परिवार ने उसके साथ धोखा दिया। जैसे जैसे मरीना बड़ी होती है, अपने इस डिफिकल्ट चाइल्डहुड के कारण वो अंदर से जो टूट चुकी थी उसको एक्सप्रेस करने के लिए, वो एंगर वो एक्सप्रेस करने के लिए वो एक तरीके के आर्ट फॉर्म की तरफ अट्रैक्ट होती है। इसे बॉडी आर्ट या इंड्योरेंस आर्ट कहते हैं। अभी अगर सिंपल वर्डों में आपको समझाया जाए कि बॉडी आर्ट या इंड्योरेंस आर्ट क्या होता है, आपने अपने एरिया में भी देख रखा हो कि आजकल कुछ आर्टिस्ट अपने आप को एक बॉडी पेंट कर लेते हैं और घंटों एक पोजिशन पे एक तरीके से खड़े रहते हैं। इसे बॉडी आर्ट या फिर इंड्योरेंस आर्ट भी कहते हैं। इसमें आर्टिस्ट अपने आप को, अपने आसपास के समाज को ये जताता है कि वो स्टैचू है और वो सब कुछ देख रहा है। मरीना जब आर्ट कॉलेज में थी और 1974 आते आते उसने ऐसे बॉडी आर्ट और ऐसे इंड्योरेंस आर्ट के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, पर 1974 में जो उसने किया उसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 1974 इटली में मरीना एक बड़ा सा हॉल बुक करती है। इटली के उस ऑडिटोरियम में जो लोगों से भरा हुआ था, वहाँ पे मरीना एक बोर्ड लेके खड़ी हो जाती है कि यहाँ पे जो भी सामान है, जो भी प्रॉप पड़ा है, मैं यहाँ पे 6 घंटे तक चुपचाप से खड़ी हूँ, आप चाहे जो चाहे मेरे साथ कर सकते हैं और सारी जिम्मेदारी मेरी होगी, इसमें आपका कुछ नहीं लेना देना, आप मुझे एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कीजिए, मैं ये मत सोचिए कि मैं एक इंसान। वहाँ पे एक टेबल रखा हुआ था जिसमें बहुत तरीके के प्रॉप रखे हुए थे। आप प्रॉप में ये समझ सकते हैं कि वहाँ पे पाउडर स्नो, फूल, कांटे, यहाँ तक कि एक ब्लेड और एक गन भी रखी हुई थी। और ये परफॉर्मेंस चालू होता है ठीक 8 बजे। मरीना वहाँ सेंटर स्टेज पे जाके खड़ी हो जाती बिल्कुल एक स्टैचू की तरह। और फिर वहाँ पे लोग क्यूरियोसिटी जगती है और वो उसे आते हैं, उसे हिलाते दुलाते हैं शुरुआत में, और जब वो उसके तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता है तो धीरे धीरे लोग उस प्रॉप का यूज करने लगते हैं। सबसे पहले वहां पे खड़ी हुई महिलाएं आती हैं और उसे उठा उठा के पटकती हैं, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। अब धीरे धीरे लोगों को ये लगने लगा था कि मरीना कुछ एक्सप्रेशन क्यों नहीं दिखा रही है, और ऐसे ऐसे करके लोगों में धीरे धीरे अधीरता आने लगी और वो प्रॉप उठा उठा के एक एक चीज करके ट्राई कर रहे थे उसके ऊपर। पहले कुछ लोगों ने उसके चेहरे पे पाउडर स्नो भी लगाया। तब वहां एक आदमी आता है और उसने वो ब्लेड लेके उसके यहाँ पे गले पे एक कट मारता है और वो देखता है कि मरीना के चेहरे के कोई एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है कि नहीं। आखिर था तो ये लाइव आर्ट। मरीना बिल्कुल ही स्तब्ध थी और एकदम स्टैचू की तरह खड़ी हुई थी। उसके आंखों से आंसू तो आ रहे थे, दर्द तो उसे भी हो रहा था, पर वो दर्द उसके चेहरे पे कोई भी शिकन नहीं ला रहा था और लोग धीरे धीरे उग्र होते जा रहे थे। तब एक आदमी आता है, वो गन लेके मरीना के इस तरीके से, मरीना को इस तरीके से पकड़ के उसकी गर्दन पे तान देता है और कुछ इस तरीके से करता है कि ऐसे लगे कि अब वो बंदूक चला देगा, पर फिर भी मरीना बिल्कुल ही स्टैचू बनी हुई। तब एक और आदमी आता है, जो उसने जो वहां पे किया वो एक घिनौना हरकत था। वो धीरे धीरे करके मरीना के सारे कपड़े उतार देता है और उसके इनर पार्ट्स को टच भी करता है। पर मरीना एक ऐसी एक्ट्रेस थी जो अपने आर्ट परफॉर्म को इतना ऊपर लेके चली गई थी कि उसके चेहरे पे कोई भी शिकन नहीं आता है। पूरे भीड़ ने 6 घंटे तक मरीना के साथ जो चाहे वो किया, पर मरीना बिल्कुल ही अपने जगह पे खड़ी हुई थी बिना कोई एक्सप्रेशन दिए हुए। हाँ, उसके आंखों से आंसू जरूर अभी भी आ रहे थे। जब लोगों ने देखा
कि इससे मरीना का कुछ भी असर मरीना के ऊपर नहीं पड़ रहा है, तो वहां पे रखे हुए कांटे भी चुभाए उन लोगों ने, पर मरीना बिल्कुल ही अपने आर्ट परफॉर्म को उस लेवल तक लेके चली गई थी जहां पे वो उस आर्ट परफॉर्म की मास्टर हो चुकी थी। लोग जितना घिनौना हरकत कर सकते थे उस जगह पे सब कुछ किया, पानी डाला, कपड़े उतारे, सब कुछ किया, पर मरीना एक वेल वर्स्ड एक्ट्रेस थी, पर मरीना को वो सभी तोड़ नहीं पाए। और फिर रात के 2 बजे जब ये एक्ट खत्म हुआ तो मरीना एक एक करके उन सब लोगों के पास गए, आंखों में आंखें डाल के, और उन्हें ये बताया कि ये पैशीपन तुम्हारे अंदर आ सकता है, तुम भी एक एनिमल हो, तुम भी एक जानवर। वो सभी लोग मरीना से आंखें तक नहीं मिला पा रहे थे। मरीना ने इस परफॉर्मेंस के जरिए उन सबको एक आईना दिखाया कि तुम्हारे अंदर एक एनिमल, एक जानवर है, जिसे खुली छूट मिल जाए तो वो कुछ भी कर सकता है, भले वो एक असहाय औरत ही क्यों ना हो। और मरीना की इस परफॉर्मेंस का एक मकसद, बहुत डीप मीनिंग वाला मकसद, वो सभी लोगों के आंख में जाकर ये बताना चाहती थी कि जब किसी इंसान को खुली छूट मिल जाए तो वो जानवर से भी ज्यादा बदतर हो जाता है। उस ग्रुप में एक भी ऐसा बंदा नहीं था जिसने उन लोगों के ऐसे हैवानियत करते समय उन लोगों को जाकर रोका। मरीना ने इस परफॉर्मेंस से बताया कि जब एक इंसान दूसरे इंसान को कमजोर पाता है, अकेला पाता है, तो वो जो चाहे उसके साथ करना चाहता है। बुरा मत मानना, लेकिन यही सच्चाई है। आप लोगों ने देखा होगा, यही एक इंसान है जो रोड में पड़े हुए बेचारे कुत्ते को भी मारता है। यही एक इंसान है जो रोड में जब गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी वीडियो बनाता है पर उसे हॉस्पिटल नहीं लेके जाता। और यही एक इंसान है जो रेप जैसी घटनाओं को भी अंजाम देता है। बुरा मत मानना, लेकिन यही सच्चाई है। मरीना ने इस आर्ट परफॉर्मेंस से सबको स्तब्ध कर दिया था। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हो कि कोई और ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके साथ लेके आऊं, तो कमेंट सेक्शन पे अपना कमेंट लिखना मत भूलिएगा। एक लाइक, एक शेयर से मरीना के इस खूबसूरत आर्ट परफॉर्म को आप दुनिया तक पहुंचा सकें। तो वेट क्यों कर, इसे जाइए अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और आशा है मैं इसी तरीके से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स के ऊपर रिसर्च करके आपके पास लाता रहूं। भूलना मत, FTR7M मेरा चैनल का नाम है।